नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल नकुल प्रॉपर्टी पर। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रेटर नोएडा के ऐसे सेक्टर में लेकर आया हूँ जहाँ पर आप देखिए नया डेवलपिंग ये सेक्टर है, जहाँ पर आप ये सड़कें देखेंगे ये भी नई डेवलप हो रही है। जैसे आप यहाँ घरों की अगर बात करोगे, नए कंस्ट्रक्शन आपको घरों में यहाँ पर दिखाई देंगे। आप इसकी गैस पाइपलाइन की आप बात कर लें, जैसे ये IGL की गैस पाइपलाइन है, तो ये भी अभी न्यू यहाँ पर डेवलप हुई है। अगर आप देखेंगे ये हाईवे आप देख रहे हैं, हाईवे पर लगाओ जरा, 130 मीटर हाईवे, 130 मीटर रोड जो बोर चौक चार मूर्ति से आकर आपका जयपुर मैरिंग करता हुआ सिरसा गोल चक्कर ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे और परी चौक से आपको जोड़ता है। अगर बात करें ये जो फ्लाईओवर बन रहा है अभी प्रजेंट में, जो आपको 130 मीटर से डायरेक्ट आपको ऊपर सीधे परी चौक के लिए ले जाएगा। आने वाले टाइम की ये मेट्रो की ये लोकेशन है आने वाले टाइम की, तो सेक्टर बिल्कुल ऑन हाईवे के सेक्टर। आप अगर चार मूर्ति से आते हैं सेक्टर 2-3, वो भी 130 मीटर से हटकर थोड़े से बचे हुए हैं, लेकिन एकमात्र लगाकर यहाँ से आपका ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे तक एकमात्र यही ऐसा सेक्टर है जिसके गेट बिल्कुल ऑन हाईवे से एंट्री करते हैं। तो चलिए, इसमें मैं आपको 100 मीटर की एक आपका ग्राउंड प्लस फर्स्ट बना हुआ घर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 100 मीटर में कैसा ये सेक्टर है, क्या उसके प्राइस है, लोन होगा। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, इस सेक्टर के अंदर बहुत सारी मेरी वीडियो पड़ी हुई है, लोन नहीं था, लेकिन जो आज की मैं प्रॉपर्टी दिखाऊंगा उसकी लोन की जिम्मेदारी हमारी है, लोन उस पर होगा। तो 100 मीटर की प्रॉपर्टी दिखाते दिखाते और सेक्टर के बारे में डीपली जान लेते चलते हैं। देखिए, सेक्टर UPSIDC का ये सी ब्लॉक है जिसमें आपको 100 मीटर के प्लॉट साइज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो 100 मीटर में आप ये खूबसूरत घर भी आप देखेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी कोठियाँ 100 मीटर में बनती हैं। अगर आपका बजट कम है, ग्रेटर नोएडा में आप घर बनाना चाहते हैं, तो सेक्टर UPSIDC आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि ये अगर आप इसके पुराने दिनों पे जाएंगे, अगर पुरानी सोच लेकर आप बैठे रहेंगे, तो आप कभी भी प्रॉपर्टी ग्रेटर नोएडा में परचेज नहीं कर पाओगे। अगर आप इसका प्रजेंट देखें, प्रजेंट में आपको ये थोड़ा अच्छा सेक्टर लगेगा। अगर आप इसके पास्ट में जाओगे तो बिल्कुल यहाँ पर आप क्या मैं भी कभी नहीं रह पाता, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर हिम्मत करके घर बनाए, अब उन्होंने यहाँ पर डेवलपिंग के कार्य भी UPSIDC से शुरू करा दिए। अगर आप 100 मीटर का घर यहाँ पर ख़रीदते हैं, इसके जो चार्जेस हैं UPSIDC की तरफ से, क्या आज का सर्कल रेट है 19,000 का, 19,000 का यहाँ पर देखिए 100 मीटर में कैसी कोठियाँ बनती है अगर आप पैसा लगाते हैं। अच्छा, देखिए, अगर यहाँ के सर्कल रेट की बात करें तो सर्कल रेट UPSIDC का 19,000 है। इसका जो रजिस्ट्री चार्ज है 7% रजिस्ट्री चार्ज है, 10% यहाँ पर ट्रांसफ़र चार्ज है। 19 आपका ये तो सर्कल रेट है। अगर आप वाइट में कुछ ज़्यादा अमाउंट देना चाहते हैं तो वाइट में भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बी पार्टी आपको ज़्यादा देना है। देखिए, ये वाला 100 मीटर का 9 मीटर रोड है, ये पार्क अगर आप मैप में देखें टोट लोट ये लिखा होता है, लेकिन ये बच्चों के खेलने के लिए छोटा पार्क, 9 मीटर रोड और ये वाला घर नीचे, इसमें फैमिली रहती है, 2 रूम सेट इसमें बने हुए हैं हॉल के साथ, वॉशरूम और किचन के साथ, और ऊपर का आप स्ट्रक्चर देखेंगे कंप्लीट है। इसको फर्निश कराना है आपको तो 2 मंजिल का घर आपका थोड़ा सा पैसा लगाते इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो 2 मंजिल में 100 मीटर 9 मीटर रोड पर साउथ वेस्ट फेस करता हुआ पार्क बिल्कुल सामने ये घर आप परचेज करते हैं UPSIDC में 95 लाख में। और बात करें इसकी, देखिए 95 लाख में अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर आपका लोन भी हम करा देंगे, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लोन की हमारी है। अंदर से वीडियो दिखाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इतनी दोपहर में फैमिली को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। अगर आप इंटरेस्टेड है रेट और सेक्टर को लेकर, विजिट आप किए हुए हैं यहाँ की, अगर करना चाहते हैं, पसंद आती है चीज़ें, तो अंदर से आपको बिल्कुल दिखाई जाएगी अगर आपके बजट में ये है चीज़।